मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के साथ पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में पीएम मोदी अराजकता का माहौल बना रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई जान चुकी है और अब उनकी जुमलेबाजी का जवाब जनता ही देगी। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि जहां भाजपा ही मुद्दों से भटक रही है, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ मुद्दों की ही राजनीति करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस मिशन 25 को लेकर चल रही है और इसी पर उनका पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पीएम मोदी ने झूठ के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया और पायलट ने कहा कि आज देश में मोदी और अमित शाह का तानाशाही रवैया है। उन्होंने आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी से दूर कर दिया है। भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन दक्षिण के साथ देश के कई हिस्सों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है। और इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इससे पहले आपको बता दें, सीएम गहलोत ने केएलएम रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रिजॉर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। आपको बता दें, सीएम का बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला, केंद्र सरकार और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया, कहा अब जनता ही सिखाएगी इनको सबक। श्रीगंगानगर में सीएम गहलोत की जनसभा और इस दौरान केंद्र सरकार और साथ ही पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब झांसे से नहीं आएगी जनता। हम मिशन 25 को लेकर चुनाव मैदान में हैं और हमारा पूरा फोकस सिर्फ मिशन 25 पर ही है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 5 साल पहले मोदी ने झूठ वादों से हथियाई थी सत्ता और अपने मुद्दों से भटक गए हैं भाजपाई, लेकिन उनका पूरा फोकस मुद्दों पर है और साथ ही मिशन 25 पर पूरा फोकस है। और ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।